हरी सज्जा फिनिशिंग हमने लास्ट क्लास में की थी। अग्नि अवरोधक परिसज्जा और जल अवरोधक परिसज्जा या जल अभेद परिसज्जा और हमने तीसरी जो की थी वो थी ब्लीचिंग। तो ये फिनिशेस थी। अग्नि अवरोधक फिनिश किस लिए यूज करते हैं? ताकि उसके अंदर आग प्रवेश ना कर सके। अग्निशमन के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये वस्त्र बनाए जाते हैं, फायरप्रूफ फैब्रिक बनाए जाते हैं। फिर हमने बात की थी जल अभेद परिसज्जा। जल अभेद यानी जिन वस्त्रों को जल भेद ना सके, जल उसके अंदर पेनिट्रेट ना कर सके, जल अंदर ना जा सके, उन्हें बोलते हैं जल अभेद वस्त्र और उन वस्त्रों को जल अभेद परिसज्जा दी जाती है। फिर हमने बात की थी विरंजक की। विरंजक क्या होते हैं? आपको जितने भी पहले मैंने फाइबर बताए थे, हमने जितने भी फाइबर पढ़े हैं उनके अंदर भी हमने डिस्कस किया था हर फाइबर के अंदर, कि जब हमने रासायनिक विशेषताओं की बात की थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ब्लीचिंग का क्या प्रभाव पड़ता है वस्त्र पर, ब्लीचिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमने ब्लीचिंग क्यों करते हैं, ब्लीचिंग आपको बताया था जब करघे पर से कपड़ा उतारा जाता है तो वो पहनने के लायक नहीं होता है, उसे पहनने लायक बनाने के लिए उसे काफ़ी सारी परिसज्जाओं से होकर गुजरना पड़ता है। और जो कपड़ा होता है जिसे हम ग्रे गुड्स बोलते हैं, उन पर जब वो बनाते हैं तो उस टाइम पर उसके ऊपर धूल मिट्टी ग्रीस ऑयल वगैरह लग जाते हैं जिनको पानी से या उनसे नहीं उतारा जाता, तो उनको ब्लीचिंग करनी पड़ती है ताकि उनमें नयापन आ जाए, चमक आ जाए, सफ़ेदी आ जाए। तो इसलिए हर कपड़े को क्या किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। ये थी हमारी लास्ट क्लास की। आज की क्लास में हम करेंगे मोथ प्रूफिंग फिनिश यानी कीट रोधी परिसज्जा। कीट रोधी परिसज्जा की बात करेंगे। परिसज्जा होती है मोथ प्रूफिंग में हम क्या करते हैं इसके अंदर कीटों को इनके ऊपर ऊन तथा जो ऊनी रेशे हैं उनके ऊपर क्या होता है, जो ऊनी कपड़ों से ऊनी रेशों से जो निर्मित वस्त्र होते हैं उनके ऊपर जो कीड़े हैं वो अति शीघ्रता से लग जाते हैं, आक्रमण करते हैं और उन्हें वो क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उन कपड़ों को नष्ट होने से बचाने के लिए कीट रोधी परिसज्जा की जाती है। इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार के जो कीमती वस्त्र होते हैं जैसे कालीन है, स्वेटर है, ऊनी चादरें हैं, शॉल, कार्डिगन, दरी आदि क्या है, उनको कीड़े नष्ट कर डालते हैं। कीड़ों से कहीं ज़्यादा जो नुकसान है उनके लार्वा पहुँचाते हैं। लार्वा ऊनी रेशों को बड़ी शीघ्रता से नष्ट कर डालते हैं। अतः ऊनी वस्त्रों पर कीट रोधी परिसज्जा की जाती है। गर्म नमीयुक्त एवं अंधेरे जगह पर कीड़े अधिक पनपते हैं और उनकी जो क्रिया होती है वो अत्यधिक सक्रिय होते हैं। इसीलिए सोफे के गद्दियों के नीचे, बंद अलमारी, बक्से, वार्डरोब, अंधेरे युक्त स्थानों पर
कालीन के नीचे, इन सभी की सफाई एवं निरीक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है। तेज धूप में कीड़े और लार्वा मर जाते हैं, अतः उन्हीं वस्त्रों को हम क्या करते हैं, समय समय पर हमें उनको धूप लगवानी चाहिए या लगवाते भी हैं। कीट रोधी परिसज्जा देने के लिए कुछ विषैले रसायनों जैसे कि सिलिकोफ्लोराइड पर लगा देते हैं और इनसे कीड़े वस्त्र के पास तक नहीं आते हैं। ये अगर वस्त्र पर लगे होते हैं तो कीड़े उनके वस्त्र के पास नहीं आते हैं। नेथलीन है, डीडीटी आदि रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। करते हैं, नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्या है, प्राकृतिक कीट रोधी होते हैं। प्राकृतिक कीट रोधी होते हैं कौन से, नीम की पत्तियां, जाता है। इसलिए वस्त्रों को संग्रह करते समय सूखी नीम की पत्तियां, पत्तियों की एक तह हम अलमारी में बिछा देते हैं। तो ये थी हमारी कीट रोधी परिसज्जा। अब बात करते हैं मिल्ड्यू प्रूफिंग फिनिश, फफूंदी अवरोधक। मिल्ड्यू प्रूफिंग फिनिश होती है, इसमें क्या करते हैं हम सूती ऊनी खासकर इन कपड़ों पर क्या होता है, इन कपड़ों पर
अगर काफ़ी दिनों तक छोड़ दिया जाए तो फफूंदी लग जाती है, काली काली नन्ही नन्ही चित्तियाँ सी दिखने लग जाती हैं और वो साफ रूप से दिखने लग जाती हैं वस्त्र के ऊपर, और ये काली नन्ही नन्ही चित्तियाँ वस्त्र को नुकसान पहुँचा देती हैं और वस्त्र उसी स्थान से गल जाता है। अतः सूती लीनन रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों को संग्रह करते समय हमें क्या करना चाहिए, इनको मान रहित करना चाहिए, इनके ऊपर जो स्टार्च लगा होता है उसे रिमूव करना चाहिए। अगर इसको अच्छे प्रकार से नहीं धोएंगे तो इनके ऊपर फफूंदी लग जाएगी, तो इनको मान रहित करने के लिए अच्छी प्रकार से धोकर फिर इनको स्टोर करके संग्रहित करके रखा जाता है। वस्त्र को फफूंदी अवरोधक बनाने के लिए साइजिंग करते समय इसमें क्या करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड सुखाकर और इनको अच्छी प्रकार से सुखाकर नमी रहित करके इनको सूखे स्थान पर रखा जाता है। विरंजन से फफूंदी के धब्बे छूट जाते हैं। अगर हमारे वस्त्र पर फफूंदी के धब्बे लग भी जाते हैं तो ब्लीचिंग जो आपको बताई थी विरंजन करना, उसके द्वारा उन धब्बों को दूर किया जा सकता है। तो ये थी हमारी दूसरी फिनिश, फफूंदी अवरोधक परिसज्जा। अब हम बात करते हैं वेई की, बात करते हैं वजनीकरण यानी वजन बढ़ाना।
जो रेशे होते हैं, आपको बताया था कि सिल्क जो नेचुरल फाइबर है, ये क्या है, फिलामेंट फाइबर है, यानी लंबा प्राकृतिक रेशा है। सब जो प्राकृतिक रेशे हैं उनमें सबसे लंबा कौन सा है, सिल्क एक प्राकृतिक फिलामेंट फाइबर है, लंबा रेशा है। तो ये क्या होता है, सिल्क है वो वजन में बहुत ज़्यादा हल्का होता है। जब हमने सिल्क के जो रेशों के बारे में पढ़ा था तो आपको बताया था कि जब इसको सिल्क के 6 से लेकर 8 कोकुनों तक को, 3 से लेकर 8 कोकुन तक को हम इसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं, तब जाकर वो थोड़ा सा मोटा दिखाई देता है। यानी जो सिल्क का रेशा होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और ये वजन में अत्यधिक हल्के होते हैं, इसीलिए इन्हें वजनी बनाना थोड़ा सा आवश्यक होता है। इसलिए इनके ऊपर जो धात्विक होता है, मेटालिक धात्विक लवण, मेटालिक सॉल्ट्स का प्रयोग किया जाता है, भारी हो जाते हैं। और जो अत्यंत छोटे छोटे ऊनी रेशों से बने वस्त्रों पर भी वजन बढ़ाने की परिसज्जा की जाती है, सिल्क पर तो ये की ही जाती है। इसके अलावा वजन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो ऊन के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, ऊन के बिल्कुल छोटे छोटे रेशे, छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनके ऊपर भी, उनको भी वजन, उनका भी वजन बढ़ाया जाता है, उनका भी वजनीकरण किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगली जो हमारी है, एंटी स्टैटिक फिनिश, स्थिर विद्युत अवरोध। एंटीस्टैटिक जो फिनिश है इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसके अंदर ये कमी होती है, नायलॉन है, डेक्रोन है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, डेक्रोन है, पॉलिएस्टर है और अन्य जो भी संश्लेषित रेशे हैं, संश्लेषित कृत्रिम जो रेशे हैं उनमें क्या होता है, स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है, इसलिए उनको, उन पर एंटी स्टैटिक फिनिश की जाती है। जो इनसे जो बने वस्त्र होते हैं उनके ऊपर स्थिर विद्युत चार्ज होने का अवगुण होता है, इनके ऊपर आपको बताया कि स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। अधिक घर्षण होने पर यह दोष
और अधिक उजागर हो जाता है। इसके ऊपर हल्की सी रगड़क वगैरह लगती है तब क्या होता है, स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। स्थिर विद्युत चार्ज के कारण शरीर से यह चिपक जाता है। आजकल आप देखना कि सर्दियों का भी मौसम स्टार्ट हो रहा है तो आप कोई सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं, कॉटन तो नहीं चिपकता है, हल्का सा जैसे कि लेगिंग वगैरह है या कोई सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं तो आप देखते हो, या चेयर के पास बैठे होते हो तो आपने देखा होगा कि हमारे जो रोएं होते हैं, रोंगटे होते हैं, वो बाल होते हैं जो ये चेयर से आपस में खड़े हो जाते, चिपकने लग जाते हैं। तो वो भी क्या है, एक तरह से क्या है, स्टैटिक चार्ज ही होता है। तो इस तरह से क्या है, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, संश्लेषित कृत्रिम जो रेशे होते हैं उनसे जो बने जो वस्त्र हैं वो क्या करते हैं, उनमें यह अवगुण होता है जिसमें वो स्टैटिक करंट जैसा लगता है, घर्षण से करंट लगता है। तो उससे बचने के लिए स्थिर विद्युत अवरोधक यानी एंटी स्टैटिक फिनिश अप्लाई की जाती है। वस्त्र को उतारते समय उसमें चमक के साथ साथ चिड़चिड़ की आवाज भी आती है, आप देखते हो उसमें से चिड़चिड़ की आवाज उत्पन्न होती है। अतः इन वस्त्रों को गर्मी में मौसम में पहनने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, और परंतु क्या है, इस अभी तक स्थायी रूप से इस दोष का निराकरण नहीं हो सका है। ये नहीं कह सकते कि परमानेंटली कि हम पूर्ण रूप से इस दोष को उस कपड़े से निकाल सके या छुपा दे उसको, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। प्राकृतिक रेशों से वस्त्र तैयार करते समय उन्हें नमीयुक्त करके नम वातावरण में वस्त्र बुना जाता है, जिससे उसमें स्थित विद्युत का दोष स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उनके अंदर यह दोष नहीं होता है। तो ये थी हमारी स्थिर विद्युत अवरोधक अवरोधक फिनिश। तो आज की क्लास में हमने चार फिनिशेस की है, कीटरोधी परिसज्जा, फफूंदी अवरोधी परिसज्जा, वजन बढ़ाने के लिए हमने परिसज्जा की है, और स्टैटिक जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसके लिए हमने एंटी स्टैटिक फिनिश अप्लाई की है। तो ये जो सारी हमारी फिनिशेस थी वो कौन सी फिनिशेस चल रही है, हमारी केमिकल फिनिशेस चल रही है। हमने ये क्या है, हमारी रासायनिक परिसज्जाएं, इससे पहले हमने कौन सी की थी, यांत्रिक परिसज्जाएं की थी, अब ये हमारी केमिकल फिनिशिंग चल रही है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।